दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। पायल और उसकी दोस्त कशिश एक शादी में जाने के लिए तैयार होने पार्लर जाती है, जहां पार्लर वाली उनका मेकअप और हेयर स्टाइल करके उन्हें तैयार कर देती है। तभी पायल खुद को शीशे में बार बार निहारने लगती है और उसे ये करता देख कर कशिश बोलती है, ओ हीरोइन बस कर, हो गई तैयार, कब तक अपने आप को शीशे में निहारती रहेगी, शादी में लेट पहुंचना है क्या? अरे यार, मुझे मेरा हेयर स्टाइल कुछ खास नहीं लग रहा, देखना कितना सिंपल सा है, कुछ और बनवा लो क्या? कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही लेट हो गए हैं, बकवास मत कर, समझी, चल अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और दोनों मैरिज हॉल में जाते हैं और वहाँ खाना खाने लगते हैं। तभी पायल की नजर वहाँ आई हुई एक लड़की पर पड़ती है, जिसका हेयर स्टाइल उसे बहुत सुंदर लगता है और उसे देखकर पायल बोलती है, कशिश देखना उस लड़की का हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, वैसे ये हेयर स्टाइल कौन सा है? अरे ये पफ वाला हेयर स्टाइल है और आजकल तो लड़कियों में ये बहुत कॉमन है, लेकिन तू सही कह रही है, ये हेयर स्टाइल लग तो बड़ा अच्छा रहा है, पर इतना मत घूर यार और खाने पर फोकस कर, वैसे हम भी तो इतना तैयार होकर आया है, हमें तो कोई नहीं देख रहा। तू बस खाने के लिए ही मरियो, ये नहीं कि पार्लर में मुझे ये वाला हेयर स्टाइल सजेस्ट कर देती। अरे यार, हमारा हेयर स्टाइल कोई बुरा थोड़ी है, अच्छे लग रहे हैं हम, या तू ना दही बड़ा ले, ले ना। इतना कहकर वो उसकी प्लेट में दही बड़ा डालती है और दोनों खाना खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन पायल अपने कमरे में बैठी अपने बालों का पफ बनाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी माँ नीता वहाँ आती है और उससे बोलती है, ओहो, इस महारानी का तो फैशन ही खत्म नहीं होता, एक घंटे से बालों को उथल पुथल किए जा रही है, अरे कब से नाश्ते के लिए आवाज दे रही हूँ, कान बंद कर बैठी है क्या? अरे माँ, मैं ना वो पफ वाला हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो ना कैसा लग रहा है। क्या कैसा लग रहा है? अरे माँ ध्यान से देखो ना, मतलब देखो मेरे आगे के बाल है जो थोड़े थोड़े से उठे हुए लग रहे होंगे ना। अरे मुझे समझ नहीं आता ये चोचले कर करके क्या मजा आता है, चल जाकर नाश्ता कर। इतना कहकर वो उसके कमरे से बाहर चली जाती है और पायल खुद को शीशे में देखने लगती है और कुछ देर बाद कॉलेज के लिए निकल जाती है और अपनी दोस्त कशिश के पास जाकर बोलती है, ओए मेरी तरफ देखना, कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या? पायल के कहने पर कशिश उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह देखकर बोलती है, क्या बात है, आज बड़ी महक रही है, नहा के आई है ना, देखा मैंने पहचान लिया। ए मोटी कम बोल, नहाती तो मैं रोज हूँ, मैं तो तुझे अपने बाल देखने के लिए कह रही थी, देखना आज मैंने पफ बनाया है, बता ठीक बनाया ना? पफ कहाँ है पफ, बाल तो तेरे बिल्कुल फ्लैट से लग रहे हैं। सच्ची? और क्या, और तेरे बालों में पफ बनेगा भी नहीं, समझी, इतना तेल जो लगाती है तू, पर पफ के लिए ना बालों को वॉल्यूम देना पड़ता है, क्योंकि जितना पफ फूलता है उतना ही अच्छा हेयर स्टाइल बनता है। ऐसी बात है क्या, फिर तो मैं ना अगली बार बालों में शैम्पू करके पफ वाला हेयर स्टाइल बनाऊंगी। हाँ हाँ बना लियो, अभी कैंटीन चल, बहुत भूख लगी है। जिसके बाद दोनों कैंटीन की तरफ चली जाती है और शाम को घर आकर पायल यूट्यूब पर पफ हेयर स्टाइल बनाने की वीडियो देखती है और खुद से बोलती है, अरे यार इसमें तो बहुत सारे तरीके दिखा रखे हैं पफ बनाने के, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई। एक काम करती हूँ, सबसे पहले सबसे छोटे वाला इजी सा पफ बना के ट्राई करती हूँ। इतना बोलकर वो शीशे के सामने पफ बनाने के लिए बैठ जाती है और काफी देर तक ट्राई करती रहती है और इस चक्कर में ना जाने उसके कितने ही बाल टूट कर गिर जाते हैं। तभी उसके कमरे में उसका भाई संजू आता है और जमीन पर गिरे उसके बालों को देखकर बोलता है, अबे ओ पागल लड़की, हेयर कट ही कराना था तो सलून चली जाती, पूरे कमरे में गंदगी कर दी, हर जगह बाल ही बाल। ये दोनों साइड से बाल लेकर हल्का सा ट्विस्ट किया और फिर आगे की तरफ पुश किया, OMG, फाइनली मेरा पफ बन ही गया। ये क्या डायनासोर जैसा हेयर स्टाइल बना दिया तूने, ऐसा लग रहा है सर पे कोई गुंबद सा रख दिया। ओ ढक्कन, इसे पफ कहते हैं, तुझे क्या पता लड़कियों के हेयर स्टाइल के बारे में, चल निकल। ये भी कोई हेयर स्टाइल है, तुम लड़कियां फैशन के नाम पे कुछ भी बना लेती हो,
जिसके बाद संजू वहाँ से चला जाता है और पायल अपने हेयर स्टाइल को देख देख कर बहुत खुश होती रहती है और उसके बाद वो हमेशा ही पफ हेयर स्टाइल ही बनाया करती, जैसे कभी साइड पफ तो कभी पफ वाली चोटी, चाहे उसके बाल बंधे हो या खुले वो पफ जरूर बनाया करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर थी, तभी उसकी माँ बोलती है, पायल आजा बेटा तेरे बालों में तेल लगा दूँ। अरे नहीं नहीं माँ, तेल नहीं लगाना, तेल लगाकर ना बाल चिपचिपे से हो जाते हैं और फिर पफ भी तो नहीं बनता। अरे कुछ देर पफ नहीं बनाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, समझ गई? तेल लगा ले फिर अपने बाल धो लियो। हाँ वैसे आज तो मुझे शैम्पू करना ही है, चलो तेल लगा ही लेते। ये सोचकर वो तेल लगवाने लगती है, तभी उसकी माँ देखती है कि पायल ने सर में बहुत सारी हेयर पिंस लगाई हुई थी। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे तूने अपने बालों में इतनी सारी पिन क्यों लगा रखी है, इतने तेरे सर पे बाल नहीं है जितनी तूने पिन ठोक रखी है। अरे माँ पफ को अच्छे से सेट करने के लिए इतनी सारी पिंस तो लगती है ना। अरे दो चार लगाए तो समझ में भी आता है, लेकिन तूने तो लगता है 10-12 पत्ते लगा लिए या पूरे के पूरे पिन के। अरे दर्द होने लगेगा तेरे सर में। माँ अब तेल लगाओ ना, बाकी सब छोड़ो। अरे लगा रही हूँ, पहले ये पिनों का बाजार तो हटाने दे। इतना कहकर वो उसके बालों में तेल लगाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पायल हमेशा पफ हेयर स्टाइल बनाकर ही रखा करती। एक दिन वो हॉल में बैठी संतरे खा रही होती है, तभी उसकी दोस्त कशिश एक लड़के के साथ उसके घर आती है और पायल उससे बोलती है, आ गई तू अपनी ड्रेस लेने? मैंने कहा था ना कॉलेज ले आऊंगी, पर तुझे तो सबर ही नहीं होता। अरे मैं यहाँ ड्रेस लेने नहीं बल्कि तुझे किसी से मिलवाने लाई हूँ, देख और पहचाने से। कशिश के कहने के बाद पायल उस लड़के को देखकर याद करने की कोशिश करती है और एकदम से बोल पड़ती है, ओए कशिश ये तो अपना फट्टू दोस्त जिगर है। ओए तू तो बैंगलोर शिफ्ट हो गया था ना अपनी फैमिली के साथ, यहाँ कैसे आया इतने दिनों बाद? कमाल की याददाश्त है तेरी, बड़ी जल्दी पहचान लिया तूने, वरना मुझे तो लगा था तू मुझे भूल ही गई होगी। वैसे इतने टाइम बाद देख रहा हूँ तुझे, तेरा हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है यार। हाँ तूने पहली बार इसे इस हेयर स्टाइल में देखा है ना, इसलिए कह रहा है। मैं तो इसका पफ देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। ओ यार इसकी बातों पे ध्यान मत दे, और बता कैसी कट रही है तेरी जिंदगी बैंगलोर में? जिसके बाद तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं और तभी नीता उनके लिए चाय समोसे लेकर आती है और बातें करते करते जिगर मजाक में पायल के सर पर हल्का सा हाथ मार देता है और पायल दर्द भरी आवाज में बोलती है, ओए पागल है क्या, सर पे क्यों मार दिया? हल्का सा हाथ ही तो लगाया है यार, मेरा हाथ कौन सा हथौड़ा है जो तुझे इतनी तेज लग गई? बेटा इसमें तेरी गलती नहीं है, वो तो ये जो बनाने के चक्कर में दर्जनों पिने अपने सर में ठोक लेती है ना, उसी की वजह से दर्द हो रहा है इसे। सही कह रही है आंटी पायल, अरे तुझे अपने बालों का पफ बनाना है तो कभी कभी बनाना, हमेशा क्या एक ही हेयर स्टाइल के पीछे पड़ी रहती है। अरे बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आता इसे कौन सी भाषा में समझाऊं, अपने पफ के चक्कर में ये बालों में तेल भी नहीं लगाती। अरे आप लोग सुनाते ही रहोगे क्या मुझे, पहले ही मेरा सिर इतना दर्द हो रहा है। कशिश जरा इसके सर से ये सारी पिनों की दुकान निकाल। जिसके बाद कशिश एक एक हेयर पिन को पायल के सर से निकालती है और कुछ ही देर में टेबल पर इतनी सारी हेयर पिंस जमा हो जाती है और पायल बोलती है, अरे आराम से यार, उफ अब जाके मेरा सर हल्का हुआ है, थैंक यू यार। पागल सी नहीं तो, अरे एक पफ को सर पर टिकाने के लिए भला इतनी सारी हेयर पिंस कौन लगाता है? हाँ यार ये तो काफी सारी हैं। यार इनके बिना ना मेरा पफ सेट नहीं होता, दर्द तो होता था बालों में लेकिन क्या करती, पफ वाले हेयर स्टाइल में सुंदर भी तो लगती हूँ ना, इसलिए लगा लेती थी, पर अब से नहीं सहूंगी। चलो कम से कम अब बालों में तेल तो लगाएगी, देर से ही सही इस मरी में अकल तो आई। जिसके बाद पायल पफ वाले हेयर स्टाइल को बाय बाय कर देती है और जब कभी पफ बनाने का उसका मन करता तो वो किसी और से बनवा लिया करती ताकि उसे इतनी सारी हेयर पिंस ना लगानी पड़े। कोमल अपनी चचेरी जेठानी पूनम के साथ मार्केट जाती है जहां पर पूनम ग्लैडिएटर्स फ्लैट सैंडल ले लेती है। उसको वो सैंडल लेता हुआ देखकर
कोमल उससे बोलती है, आपने ये सैंडल क्यों लिए हैं? अब तुझे मैं क्या ही बताऊं यार, मुझे सैंडलों का कितना शौक है। मैं अपनी हर सैंडल अपने कपड़ों के मैचिंग से लेती हूँ। आई लव सैंडल, इसलिए मैं शॉपिंग भी ज्यादातर सैंडल की ही करती हूँ। अच्छा, तो ये सैंडल आपने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके ली है। पूनम उसे अपनी साड़ी दिखाती है, जिसे देखकर कोमल हंसते हुए कहती है, दीदी क्या सोचकर आपने ये सैंडल ले लिए? अरे आपकी साड़ी से ये रत्ते भर भी मैच नहीं हो रहे। तुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तूने कभी सैंडल की शॉपिंग की नहीं ना। दीदी मुझे सब पता है, हफ्ते में 3 दिन तो मैं सैंडल की ही शॉपिंग करती हूँ। सच में? कोमल की ये बात सुनकर वो उससे सैंडल के बारे में पूछना शुरू करती है और फिर बोलती है, कोमल मुझे ना सैंडल बहुत पसंद है, पर तेरे जेठ जी हैं वो मुझे लेने ही नहीं देते, बस इसलिए मुझे ज्यादा सैंडलों का नॉलेज है नहीं। अच्छा, अभी तो आप गजलंबी फेंक रही थी। अरे वो सब तो बस ऐसे ही। अच्छा सुन ना, तेरे जेठ जी के ऑफिस से ना एक इवेंट आया है, उसमें हम सबको जाना है और मेरे पास सैंडल नहीं है, तू कोई अच्छी सी सैंडल दिलवा देना। अच्छा अब समझ आया, इसलिए आप मुझे लेकर आई हो। हाँ पर मुझे लगा कि तुझे भी। तो आपको क्या लगा मैं आपसे भी ज्यादा डम हूँ इन चीजों में? नहीं वो, हाँ हेल्प कर दे मेरी। पूनम उसकी हेल्प करने के लिए पूरे मार्केट में सैंडल्स देखती है, पर कोमल को कोई भी सैंडल पसंद नहीं आती और लास्ट में वो पूनम को घर ले आती है। घर आते आते कोमल इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो सीधे जाकर सोफे पर लेट जाती है। उसकी ये हालत देखकर कोमल की सास गीता उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि काला टीका लगाए बिना घर से बाहर मत जाया कर, लेकिन नहीं, मेरी तो एक नहीं सुननी तुझे, लग गई ना नजर फिर से तुझे। माँ जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अरे नजर लग गई है तुझे, रुक मैं अभी तेरी नजर उतार देती हूँ। नहीं माँ जी आप कोई नजर नहीं उतारेंगी मेरी, मैं कह रही हूँ आपसे, कोमल चाची इतना प्यार करती है तुझसे और एक तू है कि, चाची आप उतार लीजिए इसकी नजर। गीता जल्दी से कोमल के रूम से उसकी फेवरेट सैंडल निकाल कर ले आती है और उसकी नजर उतार कर सैंडल को जमीन पर जोर से मारती है, जिसमें उसकी फेवरेट सैंडल टूट जाती है, जिस पर कोमल बोलती है, तोड़ देना मेरी मोस्ट फेवरेट सैंडल, माजे ये फुली ट्रांसपेरेंट ग्लास हील थी USA ब्रांड की। तुझे अपनी नहीं बल्कि इस सैंडल की पड़ी है, अरे ऐसी भतेरी सैंडल पड़ी है तेरे कबर्ड में। रखी है तो इसका मतलब नजर उतारने के बहाने आप मेरी सारी सैंडल तोड़ देंगी? अरे जब तक सैंडल चप्पल टूट ना जाए तब तक नजर नहीं उतरती, और रही बात सैंडल की, तब तो तू आए दिन शॉपिंग करती ही रहती है, ले लेना आराम से। कोमल अपनी टूटी हुई सैंडल को देखकर रोने लगती है, जिस पर गीता गुस्से में उससे बोलती है, घर में सैंडल का शोरूम खोलकर बैठी है, अरे एक सैंडल क्या टूट गई उसके लिए इतना बड़ा नाटक कर रही है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट सैंडल में से एक थी, इसे अभी मैंने एक बार भी नहीं पहना था। गीता उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और पूनम उसे चुप करवाती है, जिसके बाद कोमल उसको अपनी काफी सारी सैंडल दिखाती है, जिन्हें देखकर पूनम कहती है, यार चाची सास तो सही बोल रही है, तेरे पास तो बहुत सारी सैंडल है, एक आधी ऐसी मुझे भी दिला देना। कोमल उसको अपनी सैंडल दिखाकर अगले दिन उसे एक बहुत ही अच्छे सैंडल के शोरूम में ले जाती है, जहां वो काफी सारी सैंडल्स को ट्राई करती है, पर उसकी साड़ी से मैच करने के लिए वो उसको डेनियल सैंडल प्रेफर करती है, जिस पर पूनम कहती है, ये सैंडल, यार कोमल मुझे पार्टी में जाना है, ऐसी वैसे छोटी पार्टी नहीं है। हाँ दीदी मुझे पता है, तभी तो आपको ये सैंडल लेने के लिए बोल रही हूँ, ये सैंडल आपकी साड़ी पर परफेक्टली मैच करेगी। पर मुझे तेरे जैसे सैंडल्स चाहिए, ऐसे ही जैसे तेरे पास थी ट्रांसपेरेंट वाली। आपको वो वाली हील लेनी है आप वो भी ले लेना, लेकिन जेठ जी ने जो आपको साड़ी दी है ना उस पर यही सूट करेगी, क्यों भैया सही कह रही हूँ ना? अरे ये मैडम जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, एक बार ट्राई तो कीजिए, वुमेन फैशन सैंडल है मैडम, ये सूट साड़ी सब पर अच्छी लगेगी। पूनम उन दोनों के कहने पर वो सैंडल ले लेती है। कोमल उसे सैंडल दिलवाने के बाद खुद के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाकर सैंडल लेने लगती है, जहां उसको एक पेंसिल हील्स जो कि UK ब्रांड की होती है वो बेहद ही पसंद आती है, और वो बिना देरी किए उसे ले लेती है और फिर
वापस घर लौट आती है। उसके हाथों में एक और न्यू सैंडल देखकर गीता उससे बोलती है, फिर से एक और सैंडल ले आई? अरे तेरे कमरे में जो इतना बड़ा शोरूम खुला है सैंडल का, उसका क्या? माँ जी, हमारे सैंडल चप्पल हमारी पहचान होती है। मान लो अगर हमने अच्छा सूट पहन लिया, अच्छा मेकअप लगा लिया, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन पैरों में फटी हुई जूती पहन ली तो हमारी सारी पर्सनैलिटी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इसीलिए हमेशा साफ, चमकदार और अच्छे सैंडल पहनने चाहिए। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अरे तेरे से भी कम उम्र की थी तब मैं इस घर में आई थी, तब से देख घर के इन्हीं चप्पलों में घर से बाहर आती जाती हूँ। माँ जी, समय बदल गया है, अब हवाई चप्पल नहीं बल्कि ब्रांडेड चप्पलों का जमाना है। अरे कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही है, बस आजकल के बच्चे मॉडल बनने का शो ऑफ करते हैं। तो मेरी प्यारी माँ जी, आप क्यों नहीं बन जाती मॉडल? अरे नालायक, तू ही बन मॉडल, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अपनी सास के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद कोमल वहाँ से चली जाती है और रात को कोमल का पति नीरज आता है। उसके हाथों में कार्ड देखकर कोमल बोलती है, जी ये कार्ड? हाँ, वो मेरे मैनेजर है ना, उनके घर का मुहूर्त है तो सह परिवार निमंत्रण दिया है। आप दोनों को जो भी शॉपिंग करनी है तो कर लेना। नीरज की ये बात सुनते ही कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अगले ही दिन अपनी सास के साथ एक बार फिर से सैंडल की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। और इस बार वो अपनी सास गीता को भी कुछ फ्लैट सैंडल्स दिलवाती है, पर गीता नहीं लेती और हर बार की तरह अपने लिए सिंपल सी चप्पल लेकर घर आ जाती है। कुछ ही दिनों के बाद वो सभी लोग उस फंक्शन में जाते हैं जहाँ सब काफी ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे होते हैं, पर गीता की चप्पल देखकर एक लेडीज उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, ये क्या, ऊपर से हीरा और नीचे से जीरा? खुद तो इतना बंठन कर आई हो और अपनी सास को ऐसे ही उठा लाई। आंटी जी, आपको या किसी और को ना मेरी सासू माँ के बारे में बोलने का कोई राइट नहीं है। अरे आपको सैंडल पहनना पसंद है, वैसे ही मेरी सासू माँ को चप्पल पहनना पसंद है। अगर वो चप्पल में कंफर्टेबल है तो आपका क्या हक बनता है उन्हें बोलने का? सबके सामने कोमल उस औरत की भी इंसल्ट कर देती है, जिससे उस लेडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गीता से माफी मांगती है। ये सब होने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और अगली सुबह तैयार होकर गीता कोमल से कहती है, चल बहू सैंडल की शॉपिंग करने चलते हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कौन से सैंडल पहनने चाहिए, इसलिए तू भी मेरे साथ चल। सच माँ जी? हाँ बहू, कल रात मेरी वजह से तुम दोनों की इंसल्ट हुई ना, बस इसीलिए। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? आप सासू माँ नहीं, माँ है मेरी। इतना बोलकर वो अपनी सास को गले लगा लेती है और उसके साथ सैंडल की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो अपनी सास को फ्लैट सैंडल्स दिलवाती है। अब गीता भी धीरे धीरे सैंडल पहनने की आदत डाल लेती है और इस तरह कोमल का परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।